हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज़ फाइन। वेलकम टू रोटो डॉक्टर वंस अगेन। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्यू एंड ए सेशन। तो इस वीडियो में मैं लेने वाला हूँ सारे वो सवाल जो आपने मेरे से पिछले वीडियो में कहे थे। इसमें कहा था कि वो मैं उठाऊंगा सवाल से जितने भी कमेंट्स में होंगे, तो वो सारे सवाल आपके मैं अभी बताने वाला हूँ। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ऑन ड्रोन्स, और इसके ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हैं। और जब मैं नेक्स्ट क्यू एंड ए करूंगा तो यहाँ से क्वेश्चन लूंगा, ठीक है? बाकी शॉर्ट एंड शॉर्ट्स में भी मैं रिप्लाई करता रहता हूँ क्वेश्चन, तो आप शॉर्ट्स में भी कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो शॉर्ट्स को मिस मत किया कीजिए, और आप नए चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो टोटल 21 कमेंट्स आए थे लास्ट इस वीडियो में, जिसमें मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है लक्ष्मण कुमार बेहरा जी का। ये कहते हैं कि सर, DJI कब आएगा इंडिया में? तो फ्रेंड्स, DJI कब आएगा इंडिया में अभी कंफर्म नहीं कह सकते, बट एक चीज़ पक्की है कि आने वाले टाइम में एक दो साल में मिनिमम ज़रूर DJI स्टोर्स ऑफिशियल जैसे एप्पल के हैं खुलेंगे। और होप मेरी भी यही भी है कि मेरा भी उनमें से एक स्टोर हो, वहाँ से आप हमें मिल भी सकें और अपना पसंदीदा ड्रोन भी ले सकें। लक्ष्मण मेहरा जी का एक और है, स्काईडियो 2 कहाँ से खरीदूं सर? अब देखिए, स्काईडियो 2 अगर आपने लेना है तो आपका कोई रिश्तेदार या रिलेटिव या कोई फ्रेंड बाहर होना चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर फिलहाल एट प्रेजेंट जो भी ड्रोन आते हैं वो DJI के आते हैं, ठीक है? तो मुश्किल है सर। मुझे DJI मैविक प्रो प्लेटिनम ड्रोन चाहिए। प्लेटिनम के ड्रोन अभी नहीं आ रहे हैं फिलहाल, बाकी आप OLX में देखते रहे, और जहां पर आपको लगे कि कन्फर्म डील है फिजिकल जाके आप बाय करें, या मेरे से पूछ ले साइट के बारे में। 10H प्लस, नाइस वीडियो सर, थैंक यू सर। अभी मैरिज में ड्रोन उड़ा रहे हैं। हाँ उड़ाइए, बस थोड़ा परमिशन लीजिए, थोड़ा सेफ्टी से उड़ाएं। कैपलर जी कह रहे हैं कि सर, कैन समवन जस्ट कॉपी ए DJI ड्रोन एंड फाइल इट्स पेटेंट इन इंडिया, सिंस DJI हैज नॉट बीन डन इट येट इन इंडिया, एंड विद लिटिल बिट सॉफ्टवेयर साइड चेंजेस मेक इट NPNT सर्टिफाइड, व्हाट विल बी द लीगल और परफेक्टली, इट विल बी इलीगल और परफेक्टली? देखिए, कॉपी करना तो इलीगल ही है कुछ भी हो, चाहे आप प्रोडक्ट बाहर का कॉपी कर रहे हैं चाहे इंडिया का, कॉपी करना इज नॉट अ गुड, बट अपना तरह से बनाना उसको दैट इज़ पॉसिबल कि आप एक नया उसे इंस्पायर होकर बना रहे हैं, और उसमें फिर सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ है, वो सारा कुछ ETA वगैरह सब लेना पड़ेगा। इस पर मैं डिटेल वीडियो बना दिया, आप देख सकते हैं। थैंक यू सर फॉर मेकिंग दिस वीडियो। आदित्य जी कह रहे हैं, मैं भी इन्हीं के लिए कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वही है बस ये नैनो ड्रोन है, ज़्यादा 15 मीटर के ऊपर आप नहीं उड़ा सकते। आशु नेगी जी हमारे खास हैं, भाई साहब सरकार किसी काम की नहीं है और हमको भी किसी काम का नहीं रखना चाहती सही बोले आप। हिमांशु राणा जी कह रहे हैं, वाइल ट्रैवलिंग टू इंडिया वे टू कीप द रिमोट। देखिए, रिमोट आप रखें अपने मेन बैग में, लगेज वाले में, और हैंड बैग में आप बाकी सारी चीज़ें रख सकते हैं, वो भी एक दो लोग होंगे आपके साथ, कोई एक अपने हैंड बैग में रख ले, कोई आप दूसरे के हैंड बैग में रख ले, या अगर आप तीन लोग हैं तीनों हैंड बैग्स में अलग अलग चीज़ें रख ले, इस तरह हो सकता है। मेक ए वीडियो ऑन ड्रोन NPT ड्रोन फॉर मैरिज वीडियो शूटिंग विच आर इंडियन ड्रोन। इंडियन ड्रोन अभी कंज्यूमर कैटेगरी के अभी लॉन्च नहीं हुए, जैसे होंगे मैं बना दूंगा जरूर। ये दीपक कुमार जी का सवाल था। रंजीत हरमन जी कह रहे हैं, संडे को लाइव सेशन करें, ठीक है श्योर, मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। आर के ब्रदर्स कह रहे हैं, गुड, थैंक यू जी। करण सर प्लीज़ मुझे ये क्वेश्चन का रिप्लाई दें कि मुझे ये पूछना है कि मैविक एयर 2 के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना होगा या लाइसेंस लेना होगा? देखिए, मैविक एयर में जब आवाज़ कर रहे हैं वो 250 ग्राम से ऊपर है, तो दैट इज़ योर माइक्रो कैटेगरी, उसके लिए सब तामझाम करना पड़ेगा, सिर्फ नैनो ड्रोन की छूट है। बाकी डिटेल में मैं आपको इस पर अलग से वीडियो बना कर बता दूंगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में और जस्ट एक UI रजिस्ट्रेशन में और एक जो लिस्टिंग हुई थी पहले उसमें फ़र्क भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मोहम्मद जी कह रहे हैं, आई वांट टू ऑर्डर SG906 ड्रोन इन इंडिया। देखिए, ऑनलाइन ऑर्डर मत करें, फिजिकली जहाँ से अवेलेबल है वहीं से लें, एंड ऑनलाइन में बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है? तो ये कुछ कमेंट्स थे, ज़्यादा कमेंट्स नहीं आए इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाया, वैसे 10 मिनट का बन जाता है Q&A। एनीवेज, थोड़ा बिजी होने के कारण थोड़े कम वीडियोज आ रहे हैं, तो आपको अच्छा लगा यहाँ तो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करें और भरपूर कमेंट से भर दें, ताकि सारे एस्पेक्ट्स क्लियर हों, हर एक एस्पेक्ट का वीडियो बनना चाहिए, मतलब क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, ताकि सबको नॉलेज मिले। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक वीडियो देखिए तो लाइक करें, शेयर करें और फैला दें इस वीडियो को। थैंक यू।